दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो एयरटेल वीआई तीनों ही कंपनी दोस्तों होड़ में लगी हुई है। जल्द से जल्द अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन करें, जल्द से जल्द बेहतरीन नेटवर्क दे, जल्द से जल्द 5G लेके आ जाए और दोस्तों भारत की नंबर वन कंपनी बन जाए। जियो को कड़ी टक्कर यहाँ पे मिल रही है एयरटेल और वीआई की तरफ से, जहाँ पे एक तरफ वीआई भी दोस्तों अपने गीगानेट 4G के लिए फंड रेजिंग कर रहा, अच्छा खासा पैसा दोस्तों मार्केट से ला रहा, जिससे वो जल्द से जल्द अपने गीगानेट 4G को पूरे भारत में लेके जाए। वैसे ही दोस्तों भारतीय एयरटेल जो ऑलरेडी बेस्ट है नेटवर्क के मामले में, वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ की दोस्तों फंडिंग जुटा रहा है, मार्केट से पैसा ला रहा है। इसके बारे में बड़ी अपडेट आई है, कैसा आएगा, और उसके साथ साथ भारत सरकार भी दोस्तों एक बड़ा तोहफा यहाँ पे भारतीय एयरटेल को बहुत जल्दी देने वाली है, जिससे भारतीय एयरटेल को दोस्तों फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और वो पूरे भारत में अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन कर सकेगा, 5G ला सकेगा। क्या है दोस्तों पूरी की पूरी अपडेट, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में, प्लीज बने रहे स्टूडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि अभी भारत की बात करें तो नंबर वन पे आता है यहाँ पे जियो, फिर एयरटेल और वीआई। लेकिन अगर बात करो दोस्तों एयरटेल की, तो सही मायनों में जियो को एयरटेल ही टक्कर देता है मेरे हिसाब से। तो भारत का नंबर वन नेटवर्क अगर बात की जाए तो भारतीय एयरटेल है। लेकिन दोस्तों एयरटेल अपने नेटवर्क को और पावरफुल कर रहा है, अपना 4G+ जो है दोस्तों मैसिव मीमो प्री 5G टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए दोस्तों एडवांस 5G, मतलब 5G से पहले वाली स्पीड 4G में ही आपको दे रहा है। और जैसे ही जनवरी के अंदर दोस्तों भारत सरकार 5G के स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करेंगे, एयरटेल अपना 5G भी लॉन्च कर देगा। टेस्टिंग स्टार्ट कर दिए, गुड़गांव में दोस्तों कर दिया है, दही मुंबई में कर दिया है और गांव में भी दोस्तों अपने 5G के ट्रायल्स यहां पे एयरटेल डन कर रहा है। मतलब एयरटेल बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग कर रहा है अपना प्री 5G 4G प्लस, जिसको बोलते हैं सुपर फास्ट 4G, उसको तो दोस्तों पूरे भारत तक एक्सपांड करेगा, लेकिन उसके साथ साथ 5G को भी जल्दी से जल्दी लाएगा। इसके लिए लेकिन एक सबसे बड़ी अड़चन है, वो है पैसा। सरकार ने दोस्तों एक रियायत तो दे दी यहां पे एयरटेल और वीआई जैसी कंपनी को कि 4 साल तक कोई पैसा वैसा चुकाना नहीं, बिंदास आप अपना काम कर सकते हैं, पैसा का टेंशन खत्म। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद इन्हें अच्छा खासा एक्सपेंशन करना है दोस्तों, अच्छा खासा पैसा चाहिए, ज्यादा स्पेक्ट्रम परचेस करना है, पूरे भारत के अंदर नेटवर्क एक्सपेंशन करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा, फंडिंग से। दोस्तों भारत बात करें भारतीय एयरटेल की, तो वो उसका प्लानिंग यहां पे है कि हम यहां पे 21,000 करोड़ मार्केट से लाएंगे, यस राइट्स इशू के थ्रू यहां पे 21,000 करोड़ लाने वाले हैं। अब यहां पे एक बड़ी अपडेट आई है, जहां पे आप देख सकते हैं एयरटेल प्रमोटर्स आर्म टू रेज 1380 करोड़ पार्टिसिपेट इन द राइट्स इशू। राइट्स इशू के थ्रू दोस्तों 1380 करोड़ यहां पे स्पेशल निकालने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। भारतीय एयरटेल BTL दोस्तों यहां पे होल्डिंग्स, भारतीय एयरटेल प्रमोटर रेजिंग द 1400 करोड़, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ दोस्तों यहाँ पे आए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू दोस्तों ये 1400 करोड़ निकालेंगे, 1400 करोड़ आने वाले। टोटल इनकी प्लानिंग तो दोस्तों 21,000 करोड़ की है राइट्स इशू के थ्रू, यस, लेकिन यहाँ पे 1400 करोड़ बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे लाने वाले। मतलब भारतीय एयरटेल अपने फंडिंग जो है, अपने पैसा जो जुटाने की प्रक्रिया, उसको पूरे फुल जोर्स में कर रहा है। जहाँ पे बड़ी अपडेट निकल गई, जहाँ पे जो उनके होल्डिंग्स दोस्तों यहाँ पे भारतीय एयरटेल के अंदर ये जो कंपनी है BTL, ये फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 1400 करोड़ यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे लाने वाली है, जहाँ पे ऑलमोस्ट टोटल 21,000 करोड़ यहाँ पे भारतीय एयरटेल लाने वाली है राइट्स इशू के थ्रू। ये ऑलरेडी भारतीय एयरटेल बोल चुका है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पैरेलली चल रही है और बहुत जल्दी दोस्तों जैसे ही पैसा इनके पास आएगा ये अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बड़ी निकल के आ रही है भारतीय एयरटेल के लिए कि भारत सरकार भी इन्हें एक बड़ा गिफ्ट देने वाली है। गिफ्ट ये है दोस्तों कि यहाँ पे भारत सरकार इन्हें बैंक गारंटीज रिटर्न करने वाली है, इसे और वोडाफोन आइडिया को तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ की बैंक गारंटीज दोस्तों आने वाले 15 दिन में मिलेगी, और यहां पे भारतीय एयरटेल को ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की बैंक गारंटीज। इन लोगों ने दोस्तों बैंक गारंटीज दी होगी सरकार को, पहले स्पेक्ट्रम वगैरह लेते हैं इन लोग उसके अंदर, लेकिन अब सरकार ने उसके कानून बदल दिए, 20% कर दिया 100% से। पहले 100% देनी पड़ती थी बैंक गारंटीज को, 20% कर दिया, तो जो बाकी का जो पैसा है पूरा का पूरा इनको रिटर्न हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ मिल जाएगा वीआई को, वोडाफोन आइडिया को, और यहां पे भारतीय एयरटेल को ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ ये आने वाले 2 वीक के अंदर ही 15 दिनों में मिल जाएगा। तो भारतीय एयरटेल का जो 21,000 करोड़ की जो फंडिंग है, इसको जुटाने की प्लानिंग थी, इसमें 8,000 करोड़ तो भारत सरकार भी दोस्तों DOT भी इनको रिफंड करने वाली है, तो इनको 8,000 करोड़ यहां से मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का दोस्तों बॉन्ड से आ रहा, टोटल 21,000 करोड़ दोस्तों यहां पे ये और भी राइट्स इश्यू के थ्रू लेके आ रहे हैं। मतलब अभी तो चांदी भारतीय एयरटेल को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वैसे भी इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयरटेल को कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं थी, क्योंकि एयरटेल जब भी कोई चीज़ करता तो लोग उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हैं, इसका मार्केट में शेयर हमेशा से बढ़ता रहता है। तो एयरटेल दोस्तों जैसे तैसे बहुत जल्दी 21,000 करोड़ का यहाँ पे जुगाड़ कर लेगा, और उसके बाद यहाँ पे भारत सरकार भी इसको 8,000 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ समथिंग दोस्तों इसके पास आ जाएगा, और उसके बाद वो अपने प्री 5G बोल सकते हैं उसको, या बोल सकते हैं 4G प्लस नेटवर्क को पूरे भारत के अंदर एक्सपांड करेगा, ऑलरेडी बेस्ट है उसको और बेहतरीन करेगा। और फिर जनवरी के आसपास जो भारत सरकार 5G के स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करेगी, वहां पे दिल खोल के जब इतना सारा पैसा पड़ा हुआ 30,000 करोड़ जितना जेब में,
तो कोई भी अच्छी शॉपिंग करेगा तो वहाँ पे 5G के स्पेक्ट्रम को परचेस करेगा, और फिर जल्द से जल्द भारत के अंदर या जियो से पहले हो सकता है भारत में एयरटेल 5G लॉन्च कर दे बड़े बड़े सिटीज के अंदर। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी खबर जो आई थी भारतीय एयरटेल के लिए, भारतीय एयरटेल को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, प्लस भारतीय एयरटेल यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मार्केट से ला रहा है जिससे वो अपने नेटवर्क को पूरे भारत में नंबर वन यहाँ पे बनाएगा। तो मुझे बताइए दोस्तों फिलहाल आप कौन सा नेटवर्क आपको लगता है भारत में नंबर वन है, जियो एयरटेल वीआई या बीएसएनएल, कौन नंबर वन है नीचे कमेंट करके जो बताना। ये वीडियो का अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ उन्हें रेफरेंस अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं ना तो लाल कलर का बटन उसको जो दबा देना, उसको दोबारे से हमारे वीआईपी मेंबर बन जाएंगे, इसके पास दिखेगा घंटी का बटन उसको भी जो दबा देना, उसको दोबारे से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो घंटे के बटन को जो दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि उसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ।